अंदर कैसे जाऊं? अगर शक्ति और मंजुलिका ने मुझे देख लिया तो वो खोपड़ी तक मुझे कभी नहीं पहुंचने देंगे। क्या सोच रही हो परिधि? मैं सोच रही हूँ कि मैं अंदर कैसे जाऊं। तुम एक काम करो, तुम यहीं कहीं छुप जाओ। हाँ, मैं इन दोनों को बाहर निकालता, मौका मिलते ही तुम अंदर चली जाओ। ठीक है, ध्यान रखना। कैसे निकालो उन दोनों को बाहर? कोई भी नहीं। फिर वो आपके पत्थर कहां से आ रहे थे? कोई तो है यहां पे। तुम यही रुको, मैं देखकर आती। शक्ति, कहां हो? शक्ति, सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। कौन है? शक्ति, दूर से कौन कौन क्या कर रहे हो? शक्ति, पास आओ ना। कौन है? मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। दोनों एक दूसरे को देखें। परिधि, जल्दी अंदर जा। मैं उन दोनों को अलादीन की पिक्चर दिखाता। हाँ, जब तक तुम उस खोपड़ी को तोड़ नहीं देती मैं उन दोनों को अंदर जाने नहीं दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। बेकार में गुफा के बाहर आई, यहां तो कोई नहीं है। कोई तो है जो मुझे इस गुफा से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, मेरी मां की तपस्या भंग करना चाहता है। कौन है? पर मैं मां की तपस्या भंग नहीं होने दूंगी। आ रही हूं मां। मैं परी, राजवीर यहाँ इस वक्त? परी, कहाँ हो तुम? ये परी को ढूंढ रहा है। इसका मतलब परी यहाँ आई हुई है। परी, परी तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या किस्मत पाई है मैंने,
लोगों की बीवियां चुड़ैलों जैसी होती है और यहाँ एक चुड़ैल है जो मेरी बीवी बनने पे तुली हुई है। देखो मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहले भी मंजुलिका, परी मेरा प्यार है। तुम अपना वक्त जाया कर रही हो और कुछ नहीं। तरस आता है मुझे तुम पे। चुड़ैल तो तुम्हारी बीवी है, किस धोखे से प्यार कर लिया तुमने? धोखा है या सही, वो मेरे लिए सही इंसान है। मैंने सही इंसान चुना और तुमने गलत। भरोसा नहीं रहा ना अब तुम्हारे रिश्ते में? क्या ये कहूँ कि रिश्ता इस लायक ही नहीं बचा? छोड़ो ना, उसमें क्या रखा है? मुझे एक बार प्यार करके तो देखो, दासी बन के रहूंगी मैं तुम्हारी। तुम डायन हो, डायन कभी प्यार नहीं कर सकती, वो सिर्फ वार करना जानती है जो तुम्हें अच्छे से आता है। तुम और तुम्हारा कातिल भाई, मेरी माँ की जान ले ली ना तुमने, मैं नफरत करता हूँ तुमसे। तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा मैं। पलट के नहीं देखूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। अब क्या करूं, कैसे जाऊं वहां तक? मैं तो उस गुफा में अब जा नहीं सकता, तो अब उस खोपड़ी को तोड़ने के लिए तुम्हें ही जाना होगा। वैसे तुम्हें कुछ होगा नहीं क्योंकि तुम इंसान के रूप में परी हो। भरोसा रखो, भरोसे से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। कैसे तोड़ूं? परिधि आंखें खोलो, परिधि। ओह गॉड, मेरे लिए कितने जख्म खाए इसने, सिर्फ मेरी शक्तियां वापस लाने के लिए। ये सच में परी है, परी। तेरी परी आ जाएगी, इतना गुस्सा मत हो। अरे कैसे ना गुस्सा करूं दादी, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, बिना बताए चली गई बाहर। वो शक्ति और वो आत्माएं बाहर घूम रही है खुली, ऐसे कैसे कर सकती हो? फोन तक ऑफ है। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा दादी? कहीं कहीं मंजुलिका ने उसे भी तो नहीं देख लिया? कहां गई मेरी परी? अरहान और परी,
फरहान, ये ठीक तो है ना? परी, क्या हुआ इसको? फरहान, तुम्हें कहाँ मिली और वो भी इस हालत में? पता नहीं, मुझे रास्ते में बेहोश मिली, इसलिए मैं घर पर ले आया। तुम लोग को नहीं पता ये कहाँ गई थी? नहीं, बता के ही नहीं गई थी ना, कब से ढूंढ रहा था इसे और इसका फोन भी ऑफ जा रहा था। थैंक यू इसे घर लाने के लिए। नंदिश, डॉक्टर को बुलाओ। और डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर गया, उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख रही, कमजोरी है, खा पी लेगी तो ठीक हो जाए। हाँ, मैंने भी इसे कई बार कहा पर मेरी सुनती कहाँ है। नंदिश, जूस ले क्या? अरहान बेटा, तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? वो दादी, मेरे घर पे कोई जरूरी काम आ गया था तो मुझे जाना पड़ा। मैं यहां कैसे? पहले तुम ये जूस पियो। क्या हुआ था मेरे साथ? अगर अरहान की शक्तियां वापस आ गई हैं और वही मुझे यहां लाया तो क्या वो सबके सामने आ गया? तुम कैसी तबीयत है? हाँ, ठीक हूँ, बस सिर थोड़ा भारी हो रहा है। कमजोरी की वजह से। तुम्हारा दोस्त आया था अरहान तुम्हें लेकर, उसे तुम रास्ते में बेहोश मिली। अगर राजबीर ने पूछा कहाँ गई थी तो क्या बताऊंगी? परी, कहाँ गई थी तुम? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था जिसकी वजह से तुमने मेरा वादा तोड़ दिया, बिना बताए मुझे घर से बाहर चली गई? तुम्हारा पीछा भी किया था मैंने, लेकिन एक हद के बाद तुम दिखाई नहीं दी मुझे। जानती हो कितनी टेंशन हो गई थी मुझे, तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मुझे क्यों कंफ्यूज करके रखा हुआ है तुमने? या तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती या मेरे प्यार पर विश्वास नहीं है तुम। ऐसी कोई बात नहीं है राजबीर, तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो? फिर कैसे बोलूं, क्या सोचूं? तुम जानती हो बाहर कितना खतरा है, वो खुले घूम रही है, वो आत्मा है, वो पिशाचनी है। मैं घर के बाहर नहीं गई थी, मैं घर के कॉरिडोर में ही थी, फिर पता नहीं अचानक से आवाज आई और मुझे उसके बाद कुछ याद ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे शायद वो मंजुलिका मेरे शरीर में आई थी। मेरे साथ ऐसा ही होता था, जब भी सुबह उठती थी तो मेरा सर भारी हो जाता था, पूरी रात वो मेरे शरीर में रहती थी और दिन में जब वो बाहर निकल जाती थी तो ऐसा ही महसूस करती थी। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मैंने तुम्हें ताबीज दिया था, वो मंजुलिका तुम्हारे अंदर कैसे आ सकती है? मुझे लगता है वो ताबीज मुझसे कहीं खो गया। उस दिन जब हम मंदिर जा रहे थे तो मंजुलिका ने हमें वहां जाने से रोक रहा था, मुझे लगता है वही कहीं मुझसे गिर गया और इसीलिए। माँ, आपको यकीन है कि आपके पास इतनी शक्तियां हैं कि आप उस परिधि को हरा सकती? मेरी बेटी है या मेरी दुश्मन, परिधि की बड़ी तारीफ कर रही है। अपनी माँ के सामने ये कह रही है कि परिधि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, मैं उसे हरा नहीं सकती? नहीं, वो तो क्या, अरे आप देखना मेरे पास इतनी शक्तियां आ गई है, कैसे धज्जियां उड़ाती हूँ तुम्हारी परिधि की। परिधि, 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 परिधि। ये क्या था? माँ, माँ, कौन है?
माँ कोई है यहाँ पे? माँ कौन है? माँ माँ ठीक कौन है? तू वापस कैसे आया? मेरे गुरुदेव ने तो तुझे खोपड़ी में, और वो खोपड़ी, तो तू वापस कैसे आया? बोल! चुप कर उल्टी खोपड़ी। कायनात में दो तरह की खोपड़ियां मतलब शक्तियां होती, और बुरी शक्ति पर अच्छी शक्ति हमेशा भारी पड़ती है। जैसे तेरे अघोरी गुरु की बुरी शक्ति। तो तू है, तो तू ही है जो फिर से परिधि की मदद कर रहा है, हा? है नहीं, हमेशा था और हमेशा मदद करूंगा। अच्छा यही होगा कि तुम दोनों यहां से चली जाओ, वरना तुम्हारी आत्माएं जो यहां भटकती नजर आ रही हैं, वो भी नहीं आएगी। मैं एक अच्छी आत्मा, इसीलिए तुम दोनों को एक आखिरी मौका दे रहा हूं। चल। अरे तू क्या मौका देगा, तेरे जैसे बहुत देखे। चल, पिशाचनियों को खत्म करने आया है तू। अरे जा, मौका देने वाला हट। ए, मैंने कहा चली जा, मुझे गुस्सा मत दिला। माँ मा, चलो चलो यहाँ से। माँ दूर दूर कर, दूर। डर गई? तूने मेरी शक्ति देखी ही कहाँ है? आज मैं तुझे मेरी शक्ति दिखाता, एक छोटा सा नमूना। मां चलो। कहाँ चला गया ये? कहाँ चले गए तुम? हम दोनों को यहां पटक के कहाँ चले गए? सामने आओ। पता नहीं क्या अजीब अजीब से खेल खेल रहा है। इसको तो हम बताएंगे माँ। पिशाचिनी, इंसानों का एक खेल बहुत पसंद है मुझे, फुटबॉल, जिसमें बॉल को पैर से मारते हैं। पैर तो है मेरे पास, लेकिन बॉल एक नहीं, दो दो हैं।
तो खेल शुरू करें। चलो पिशाचिन। क्या हुआ? तुम आत्माएं कब से सांस लेने लगी? सांस लेना बंद करो, पहले ये बताओ कि राजवीर परिधि को मारा कि नहीं। ये क्या है? ये खोपड़ी कैसे टूट गई? ये खोपड़ी टूटी हुई है, इसका मतलब है कि जिन बाहर निकल गया है, और क्योंकि ये खोपड़ी टूट गई है उसकी सारी शक्तियां वापस आ गई है। और सवाल ये उठता है कि ये खोपड़ी तोड़ी किसने? समझ में नहीं आ रहा ये कौन है जिसे मैं भी नहीं देख पा रही हूं, कुछ पता नहीं चल रहा। माँ ये कौन है? वही है जो परिधि के साथ मिलकर जिन को बचाने की कोशिश कर रही थी और कामयाब भी हो गई। इसी ने परिधि की मदद की है जिन को बचाने में। ये है कौन? इस बात का पता तो मुझे भी लगाना है। अरे माँ, ये नताशा की आंटी है, अभी कुछ दिनों पहले ही घर पे आई है। ये तेरी बीवी की आंटी है? उनके ठिकाने हम जा नहीं सकते क्योंकि वहां बुरी आत्माओं का वास है। उन्हें ऐसी जगह फंसाना होगा जहां अच्छी शक्तियों का वास हो, जहां से उनका बचना नामुमकिन। लेकिन ऐसी जगह मिलेगी कहां? आराम ढूंढ रहा हूं, बहुत जल्दी मिल जाएगी, तुम देखना। और यहां क्या हो रहा है? बताएगा मुझे तुम कि तुम? राजवीर, हम दोनों बस ऐसी ही बात कर रहे थे। अच्छा, मैंने तो सुना कोई जाल बिछाने की बात हो रही थी। हुँ? और तुम मेरी पत्नी, तुम मुझे बताओगी कि क्या हो रहा है यहाँ पर? राजवीर, ये सही वक्त नहीं है अभी बात करने का। तो सही वक्त कौन सा है परी? राजवीर, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती। तो झूठ बोलोगी? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन सच भी नहीं बोल सकती हूँ। राजवीर प्लीज, तुम बात को समझने की कोशिश करो। इसमें तुम्हारी और मेरी भलाई है, हमारे परिवार की भलाई है। तुम बस इतना जान लो, सौदामिनी और मौंजनिका का अंत करने के लिए मैं अरहान की मदद ले रही हूँ। बस इसकी मदद ले रही हूँ? ये भगवान है हा? तुम्हारी तरह और मेरी तरह इंसान है, ये एक डॉक्टर है। मुझे समझ नहीं आता है, कभी कभी लगता है कि मुझसे ज्यादा ना तुम इस पर विश्वास करती हो। राजवीर, तुम गलत समझ रहे हो। तो समझाओ ना, बताओ मुझे। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे साथ साथ फेरे लिए मैंने, वचन दिए तुम्हें कि जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझे अपने प्लान में शामिल क्यों नहीं करना चाहती हो। राजवीर प्लीज, नहीं कर सकती तुम्हें अपने प्लान में शामिल, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम पर कोई आंच आए। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम पर कोई आंच ना आए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने प्लान में शामिल करो बस। तो ठीक है, आज के बाद हम जो भी करेंगे हम तीनों मिलके करेंगे। अरहान, राजवीर,
परी तुम्हारी पत्नी, उस पर भरोसा रखो, वो जो कुछ भी कर रही है तुम्हारे लिए ही कर रही है। एग्जैक्टली अरान, वो मेरी पत्नी है, मैं उसका पति, इसलिए वो जो भी करेगी मैं उसके साथ दूंगा। तुम सिर्फ एक दोस्त हो, तो दोस्त बन कर रहा हूं। समझ गए ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? राजवीर तुम गलत समझ रहे हो। नहीं अरान, गलत तुम समझ रहे हो, तुम सिर्फ उसके एक दोस्त हो और मैं उसका पति। परिधि का पति, एंग्री यंग मैन। यहीं इसी घर में पता चलेगा कि वो कौन है जो परिधि का इतना साथ दे रहा है। बेटा तुम इसे उठाकर वहां रख दो। और सुन सुन, तुम इसे उठाकर वहां रख दो। हाँ वहां रख। दादी साहब, हाँ इनकी जगह क्यों बदल रही है? जा रखे हैं, अच्छे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही, पर दो बार इनसे टकरा कर चोट खा चुकी हूँ मैं। माँ चलो रख दो। माँ आप यहाँ कैसे? आप तो चले गई थी ना। अच्छा तो ये इसकी माँ है। परिधि की परी माँ अचानक धरती पे कैसे? तो ये परी है और ये परिधि इस परी की बेटी। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, तुझे देखने का दिल कर रहा था, रहा नहीं गया तो तुझसे मिलने चली आई। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। पर आपको याद कैसे? परिधि आदि इंसान है और आदि परी, इसे तो याद आएगी, पर आपको कैसे याद आई? जिस दिन तू पिता बनेगा ना, उस दिन तुझे समझ में आएगा कि यादों का रिश्ता क्या होता है दिल से। पिता बनने के लिए पहले शादी करनी पड़ी, और अभी तो मेरी उम्र शादी की है कहाँ। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अपने सिंगलहुड को एंजॉय करना है। क्यों परिधि, फ्लर्ट शर्ट भी करना है कि नहीं? बस करो तुम अब। ओके तुझे देखना था, मैंने देख ली। बस थोड़ी देर परिवार वालों के साथ रह करके चली जाऊंगी, वरना उन्हें शक हो जाए। ठीक है। बात मत करो मुझसे। अरे तुम तो गुस्सा हो गई। चेहरा बदल कर इतना कुछ बदल जाएगा, इतना कुछ पता चल जाएगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। परिधि, परी की बेटी। माँ उस परिधि का सच पता लगाने गई और मैं यहाँ राजवीर और परिधि के बीच में ऐसा झगड़ा लगाऊं कि दोबारा राजवीर कभी उस परिधि के पास नहीं जाए। अरे साक्षात भाभी जी आ रही हैं। चलो आज इन्हें भी दर्शन दे ही देते हैं। प्रणाम भाभी जी। अमी मंजुलिका, कमाल किया आपने, उन दोनों का साथ दिया मेरे भाई को फंसाने के लिए। कमाल नौटंकी करती हैं आप। आपको लगा आपकी नौटंकी देख के हम तालियां बजाएंगे? तुम समझती क्यों नहीं? प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं इतना सब नाटक नहीं करती तो शक्ति मुझे मार देता ना। अब मैं टॉप टीवी स्टार नताशा बुंदेला हूँ। अभी तो मुझे कितने सारे टीवी सीरियल करने हैं, तो मैं कैसे मर जाती? बेचारी टीवी की अबला नारी। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज
ठीक है, चल रो मत, छोड़ दूंगी। मेरा एक काम करना होगा। क्या 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 करना है? मैं सब कुछ करूंगी, एवरीथिंग। तुम बताओ क्या करना है, जो बोलूंगी वो करूंगी, प्लीज। सोच ले, जो बोलूंगी वो करेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं करूंगी ना, मुझे काम करना है। मैं तुम जो बोलूंगी मैं करूंगी, बोलो ना प्लीज। सब ठीक होगा, डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस। परिधि, परिधि, परिधि मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? मैंने तुमसे कहा था ना कि राजवीर को मत इन्वॉल्व करना हमारे प्लान में, तो फिर क्यों किया तुमने? क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। तुमने देखा नहीं कितना अपसेट था वो? तो मैंने तुमसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए राजवीर को प्लान में इन्वॉल्व मत करना। परी ऐसा क्यों कर रही है? अरहान को कोई प्रॉब्लम नहीं तो परी को क्यों है? परिधि बात को समझो। तुम बात को समझो अरहान, हम दोनों के सर पे कायनात का हाथ, लेकिन राजवीर वो तो एक इंसान है ना, अगर उसे कुछ हो गया तो। वो पिशाचनिया हमें तो नहीं मार सकती, लेकिन राजवीर की जान तो खतरे में पड़ जाएगी ना। पर जिस तरह से दिन रात वो तुम्हारे साथ रहता है, कब तक सच छुपाओगी उससे? उसे उन दोनों आत्माओं के बारे में पता है। अगर हमने उसे अपने प्लान में इन्वॉल्व नहीं किया और उसने खुद उन पर अटैक किया तो तब उसकी जान को खतरा नहीं होगा। इससे अच्छा ये है कि हम उसे अपने प्लान में इन्वॉल्व रखें, अपने साथ रखें। I'm sorry, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाई। राजवीर को कुछ हो जाए मैं वो बात से ही डर जाती हूँ, वो सोच के ही डर जाती हूँ मैं। तुम कितनी अच्छी हो, कितनी सच्ची। कभी कभी तो मुझे डर लगता है, अब मतलब कितने अच्छे से समझती हो तुम अपने पति को, पर वो है कि समझता ही नहीं। और जब वो तुम पे गुस्सा करता है ना, मुझे भी बहुत गुस्सा आ जाता है। ऐसा नहीं, इंसान उसी पर सबसे ज्यादा गुस्सा करता है जैसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। हाँ, राजवीर को मेरी बहुत परवाह रहती है, वो मुझे हर एक मुसीबत से बचाना चाहता है, मेरी रक्षा करना चाहता है। तुमने कभी सोचा अगर राजवीर को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चला तो क्या वो तुम्हें उतना ही प्यार करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा? नहीं सोचा, लेकिन राजवीर मेरे साथ रहे ना रहे, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हें दुख नहीं होगा? होगा, लेकिन अगर मेरे दूर जाने में उसकी खुशी है तो मुझे मंजूर। तुम जैसा मैंने आज तक नहीं देखा, इतना प्यार, इतनी परवाह। जिसे तुम मिल जाओ उसकी तो किस्मत खुल जाए। डोंट वरी, राजवीर को हमारे प्लान में इन्वॉल्व करके उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। थैंक्स अरहान। राजवीर, एक सेकंड परी, पहले मेरी बात सुन। तुम्हें इतना सा भी अंदाजा है कि मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी ये जानकर कि तुम्हारे पति होने के बावजूद मैं इस प्लान में शामिल नहीं हो सकता, वो भी तब जब बात मेरे परिवार को बचाने की हो रही है। इसके लिए भी मुझे तुम्हारे सो कॉल्ड फ्रेंड की परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसका मैंने कभी नाम नहीं सुना था, कभी कोई जिक्र नहीं सुना था, और अचानक से वो हमारे सामने आ जाता है तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनकर। अगर ये बात है ना तो मेरी भी एक बात सुनो, सिर्फ दो दिन दो मुझे, दो दिन के अंदर मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हारी और अपने परिवार की अच्छे से हिफाजत कर सकता हूँ। क्यों मैं राजवीर को सब सच नहीं बता सकती? क्यों राजवीर मेरी खामोशी को नहीं समझ सकता कि ऐसी कोई तो बात होगी जो मैं उसे नहीं बता सकती? ये दो महान प्रेमी झगड़ रहे थे, किस बात पे झगड़ रहे थे? बात तो बहुत गहरी है, इस गहराई तक तो जाना ही होगा। परी, क्या बात है बेटा, राजवीर क्यों झगड़ रहा था? मैं राजवीर मुझे गलत समझ रहा है, उसे लगता है कि मैं उसे कमजोर समझती हूँ, इसलिए उसे अपने प्लान में शामिल नहीं कर रही। ऐसा नहीं है माँ, मैं जानबूझकर राजवीर की जान खतरे में कैसे डाल दूँ? मैं कैसे उसे बता दूँ कि मैं कौन हूँ, अरहान कौन है? अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता माँ, पता नहीं कब ये सब खत्म होगा। चिंता मत कर मेरी बच्ची, बस सब कुछ वक्त पर छोड़ दे, उसका भी वक्त आएगा, वो सब समझ जाएगी। मुझे कौन समझाएगा, प्लान की बात कर रही है ये। अब
भाभी आप, मुझे लगा वो कि मैं परिधि हूँ। समझ गई, तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। नहीं लेकिन राजवीर, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये अपनी परिधि ही कुछ बदल गई है जब से वो अरहान आया है, है ना? वैसे पता नहीं तुम्हें ये बात बताऊं कि नहीं, पर तुम उसके हस्बैंड हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें पता ही होना चाहिए उसके बारे में। किस बारे में भाभी? तुम्हारी वाइफ के बारे में। परिधि के बारे में? ये आजकल मुझे उसका बिहेवियर कुछ सही नहीं लग रहा, स्पेशली वो जब अरहान के साथ बातें करती रहती है। दोनों क्या सीक्रेटली ऐसे गुपचुप 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 करके बातें करते रहते हैं और उससे कुछ पूछो तो वो बातें छुपाते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता ये, और आज जो हुआ उसके बाद तो मुझे लगता है तुम्हें बताना ही चाहिए। क्या किया उसने? अरे राजवीर, मैंने परिधि को अरहान के साथ वो पीछे से जाते हुए देखा, वो भी इतनी रात को। और जब मैंने उससे पूछा कि परी डार्लिंग तुम इतनी रात को अरहान के साथ कहाँ जा रही हो, तो पता है उसने उल्टा मुझे ही डांट दिया। कह दिया कि भाभी आपके मतलब की कोई बात नहीं, आप क्यों पूछ रही है, ऐसे बोला उसने मुझे। रोना ही आ गया मुझे, वो भी बिना ग्लिसरीन के। समझ नहीं आया किससे बात करूं। मैंने सोचा तुमसे बात करके देखती हूँ, शायद तुम्हें पता हो कि परी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। लेकिन अब तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम्हारा भी OMG हो गया, तुम्हें भी नहीं पता। ये अरहान के आने के बाद परिधि ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? अरे भाई ये अरहान क्या उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि हम लोग तो जैसे कुछ है ही नहीं। हाँ प्रणाम भाभी जी, हमें मंत्र निकल, जो बोलूंगी वो करी। क्या क्या करना है बताओ। गलत फैन नहीं समझे, राजवीर और परिधि के बीच में तुझे गलत फैन पैदा कर दी। उसे जाके कहना है कि परिधि और अरहान के बीच में कुछ चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो तू चलाएगी। सॉरी राजवीर, ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ा, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? बताऊंगा, पहले तुम बताओ तुम्हारी जादू की छड़ी कहाँ खो गई? जादू की छड़ी? तुम्हारी हंसी, कुछ घंटे पहले इतनी प्यारी हंसी थी और अब गायब, कहाँ खो गई, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम मुझे बताओ तुमने यहाँ क्यों बुलाया? राजवीर ने कुछ कहा ना? मुझे ना ये आदमी बिल्कुल समझ नहीं आया। एक तुम हो जो दिन रात उसकी फिक्र करती रहती, और उसे तुम्हारी पड़ी ही नहीं। अगर अगली बार वो तुम्हारे साथ ऐसा करेगा ना तो मैं उसकी क्लास लूंगा, और तुम मुझे रोकोगी नहीं। ओके? नहीं प्लीज, तुम उसे कुछ नहीं बोलोगे। मैं तो बोलूंगा, बताऊंगा उसे कि उसे परी का प्यार मिला, उसे तो खुश होना चाहिए, उसकी तो किस्मत है जो उसे तुम मिली। मैंने कहा ना तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। देखना चाहती हो मैं उसके लिए क्या लेकर आया? क्या? दिन भर तुम उसकी फिक्र करती हो और मुझे भी उसकी फिक्र में रखती हो। ये लॉकेट? ये कोई साधारण लॉकेट नहीं, ये राजवीर का कवच, उसे उन दो आत्माओं से बचाने के। पर मैं उसे क्यों बचाऊं? वो तो तुम्हें तकलीफ देता है ना। मैंने कहा ना छोटी सी गलतफहमी है, दूर हो जाएगी। रात को सोने से पहले ये लॉकेट राजवीर के तकिए के नीचे रखिए और कल सुबह मुझे वापस दे। जब हम उन दोनों पिशाचियों से लड़ रहे होंगे राजवीर वहीं होगा, अगर उसकी जान खतरे में आए तो मैं उसकी आत्मा इसमें कैद कर लूंगा, और वक्त आने पर उसकी आत्मा इस लॉकेट से बाहर निकालें। और हाँ, अगर गलती से ये लॉकेट मेरे पास आने से पहले अगर टूट गया तो फिर मैं उसकी आत्मा को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। फिर टेंशन? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा, इसे टूटने दूंगा ही नहीं। ओके? मुझे अब राजवीर के पास जाना चाहिए, जाऊं? षड्यंत्र? कौन से षड्यंत्र की बात कर रही थी ये परिधि? कैसे पता लगाऊं? परिधि माँ, प्यार मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, यहाँ आ मेरे साथ, इधर आ। क्या हुआ, बात क्या है, क्या हो क्या रहा है? हाँ मेरा मतलब कि ये क्या हो रहा है बेटा,
मैं देख रही हूँ कि आरहान ने अभी तक कुछ किया ही नहीं, और ये दोनों पिशाचनियाँ ये इस तरफ खुलेआम आजाद घूम रही है। मैंने ये भी सुना कि तू किसी षड्यंत्र के बारे में बात कर रही थी। कैसा षड्यंत्र? वो उन दोनों को अपने जाल में फंसाने का षड्यंत्र। जाल? कैसा जाल? अरहान कह रहा था कि उसे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे कायनात की सारी अच्छी शक्तियों का वास हो। एक बार वो दोनों आत्माएं वहाँ पे आ जाएं, तो फिर वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकेगी। और एक बार उसे ऐसी जगह मिल जाए, फिर हम अपना जाल भी बिछा लेंगे। अच्छा, अच्छा किया जो तूने मुझे बता दिया, मेरी आत्मा को शांति मिल गई। जा, अब तू जा करके सो जा, देख कितनी थकी हुई लग रही है। जाल हम पिशाचनियों के लिए। मूर्ख लड़की अपने मुंह से अपना पता खोल दिया, सब बोल दिया। कभी कभी जंतर से ज्यादा दिमाग का मंतर काम कर जाता है, और काम कर गया। बेवकूफो, जो लोग दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं, कई बार उस खड्डे में खुद ही गिर जाते हैं। गिरोगे, सब मरोगे।